महिला को आत्मनिर्भर के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार आगरा में होने जा रहा है मिस व मिसेज इंडिया का ग्रैंड फिनाले, जिसके लिए जहां आयोजक बड़ी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करके मिस इंडिया जैसे शो किए जाते हैं, मगर उनमें भाग लेना हर वर्ग की महिला के बस की बात नहीं होती। इसीलिए अब ब्रज की महिलाओं की प्रतिभा को सामने लाने के लिए आगरा के होटल ताज में 4 अगस्त से 6 अगस्त तक 3 दिवसीय मिस व मिसेज इंडिया का ये ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर की लगभग 40 महिलाएं भाग लेंगी, तो मथुरा की 4 महिलाएं भी अपना दम दिखाएंगी, जिसके लिए आज एक पत्रकार वार्ता के द्वारा आयोजक ब्रज क्षेत्र की बहू और मिसेज यूपी 2021 का खिताब हासिल कर चुकी शिल्पी केशोरैया ने इस कार्यक्रम के द्वारा मंच देने की बात कही, जहां पर बताया गया कि इससे पहले वो NCR, मुंबई, दिल्ली, गोवा, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े महानगरों में ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ब्रज की महिलाओं को एक मौका दिया है कि वो इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाएं, जिसके लिए उनके कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। मिस एंड मिसेस इंडिया में 40 महिलाओं को हमने सेलेक्ट किया है ऑल ओवर इंडिया से, और हमारे मथुरा से 4 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं और मिडिल क्लास फैमिली से निकली हैं। इसका उद्देश्य वही महिला सशक्तिकरण है, और महिला सशक्तिकरण के अलावा ये आगरा में शो है, हमने बताया ही है आपको, तो कुछ लड़कियां हमें और चाहिए, मतलब वो सिलेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। NCR दुबई, और पहले हमने बड़े शहरों में किया है, कोलकाता में किया है फर्स्ट टाइम, हाँ गोवा में भी किया है हमने, एंड अभी हमने आगरा में, देन हमारा नेक्स्ट प्लान है मथुरा में करने का। ये इस शो का उद्देश्य मेनली बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पे है। हम ये चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हों, आगे आएं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और ये शो हमारा आगरा में होने जा रहा है 4, 5 और 6 अगस्त। इससे पहले मेरी जो लाइफ थी नॉर्मल चल रही थी, जो अब चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल लगती है अपनी लाइफ ना, बहुत सारी उम्मीदें बढ़ गई अपने आप से लेके मुझे, और भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, एक जो होता है ना अपने आप से उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि आप भी कुछ कर सकते हो नॉर्मल लाइफ से बढ़कर, और इस कॉम्पिटिशन ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है, मैं आगरा से हूँ, और आई एम फीलिंग ग्रेट दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस सीजन मिसेस इंडिया वुमेन ऑफ सस्टेंस, एंड दिस इज रियली अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ चेंजेस वी विल सी वंस वी विल पार्टिसिपेट इन दैट, देन आफ्टर दैट वी विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर पर्सनैलिटी। आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे, बोलो देखा है क्या तुमने मुझे उड़ते हुए। नमस्कार टू ऑल, मेरा नाम है मिसेस प्रीति खन्ना और मैं इंदिरापुरम NCR को बिलोंग करती हूँ। तो जैसे मैंने शुरू की दो पंक्तियाँ बोली, मुझे उड़ने के पर मिले, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे एक नई जिंदगी, नया मुकाम दिख रहा है आगे, जिसका मैं खुली पाँव से अभिनंदन करूँ।